अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्फिनिटी डिज़ाइन एप्लीकेशन की मदद से अपना वेक्टर इमेज या कार्टून इमेज जो है उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वो कुछ इस तरह से आपके पास शो हो जाएगी। और इसके बाद आपको ये जो ऊपर निशान बना हुआ है इसमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप इम्पोर्ट पर जाइए। इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप गैलरी में जाकर कोई सी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्योंकि इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूं, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर शो हो जाएगी। और एप्लीकेशन के अंदर शो होने के बाद दोस्तों इसके ऊपर वर्क कैसे करना है मैं आपको वो बताऊंगा। अब सारी जो इसको कार्टूनिश बना के तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगा कि इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे इसकी मदद से आपको आप इमेज ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पेन में जाना है। तो पेन में जाने के बाद आपको जो हिस्सा सेलेक्ट करना होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और उसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने हेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि हेयर्स के ऊपर ये किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ से मैं इसको अपने हेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये भी देखिए हेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है अब, और आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी मदद से छोटा कर सकते हैं, तो ये किस तरह छोटा हो जाएगा। और ये आप लाइंस यहाँ से आपके पास लाइंस शो होंगी, जो लाइन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं सबसे ऊपर वाली लाइन को रख लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपने हेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास हेयर, सपोज दैट कि ये हमारे पास हेयर्स हैं और ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इसको ओके करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। अभी ये हेयर्स सेलेक्ट हुए हुए हैं। और सबसे मेन चीज़ जो दोस्तों वो ये है कि जब भी आप अपनी इमेज का कार्टून बनाएंगे तो आपको लेयर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जब भी एक नया काम करना होगा तो आपको एक नई लेयर ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो वाली इमेज जो है वो फ़ोटो वाली लेयर यूज़ नहीं हुई, इसके ऊपर अलग से लेयर बनी हुई है। तो आपको इस तरह अलग लेयर बनानी है। अगर आप बाल बना चुके हैं, तो अगर फेस बना रहे हैं तो फेस के लिए आपको एक अलग से लेयर बनानी पड़ेगी। तो अभी के लिए ये मैं बालों वाली हेयर अलग से बना रहा हूँ। ये अब हमारे पास बन चुकी है। ये हेयर की लेयर बनाने के बाद आपको दोबारा इस ऑप्शन में जाना है और फिल सिमेट्री में जाकर इसको फिल करना है। तो ये मैंने इसको फिल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर हैं वो ब्लैक कार्टूनिश टाइप हो चुके हैं। और अब अगर मैं फेस को भी कार्टूनिश बनाना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को रिमूव कर दूँगा और एक नई लेयर बनाऊंगा। यहाँ से प्लस में जाकर नई लेयर बना दूंगा, और नई लेयर बनाने के बाद मैं अभी दोबारा इस ऑप्शन में जाकर पेन को सिलेक्ट करूंगा और अपने फेस को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी मैं सारे फेस को सिलेक्ट करता हूँ रैंडमली। तो सपोज दैट के ये मेरे फेस का एरिया है। तो दोस्तों आपको फेस का एरिया इस तरह सेलेक्ट नहीं करना है, आप इसको जूम करके परफेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको परफेक्टली सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एंड्स को मिला दीजिए। एंड्स को मिलाने के बाद इसको ओके कीजिए, और ओके करने के बाद दोबारा इस ऑप्शन में जाकर फिल सिमेट्री में जाइए। और फिल सिमेट्री में जाने के बाद आप इसका कलर, स्किन कलर रखना है। तो स्किन कलर को रखने के लिए आप इस ऑप्शन को ओपन करें, और ओपन करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करें। इसको ओपन करने के बाद आप अपनी स्किन का कलर यहीं से उठाकर इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं आप के फेस का कलर भी सिलेक्ट हो चुका है, और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपने मर्ज़ी से कलर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बनाने के बाद अभी इन दोनों को हटा दीजिए और दोबारा नई लेयर बनाइए। नई लेयर बनाने के बाद इसी तरह आप पुरानी वाली लेयर्स को हाइड करते हैं, और इसको हाइड करने के बाद ये अभी आपको शो नहीं होगी। तो इसी तरह आप लिप्स बनाइए, गॉगल्स बनाइए, उस तरह आप बाकी सारी चीज़ें जब बना लें, बियर्ड को बनाएं। बियर्ड बनाने के बाद आप सारी चीज़ें जब बना चुके हैं तो फिर आप अपनी ओरिजिनल वाली इमेज को हाइड कर दें, तो आपके पास कार्टूनिश इमेज जो है वो कंप्लीट शो होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों को मैं शो करवा देता हूँ और इस वाली को हाइड करता हूँ। तो ये इतनी मेरे पास अभी बन चुकी है। तो इस तरह आपको सारी बनानी है और सारी बना कर उसको सेव करना है। तो मैं इस ऐप का प्रो वेरियंट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कार्टूनिश इमेज किस तरह बनानी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन